मिडिल ईस्ट में लाल सागर जंग का ऐसा अखाड़ा बना हुआ है जिसमें बार बार इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और उन तमाम पश्चिमी देशों के जहाजों और युद्धपोतों की बलि चढ़ रही है जो हूती से पंगा लेने की हिमाकत कर रहे हैं। हूती बार बार लाल सागर से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर में इन देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ हूती कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह के रास्ते में भी कुंडली मार कर बैठा है। हूती का कहना है किसी भी जहाज को तब तक नहीं आने देगा जब तक कि गाजा में इजरायली सेना युद्ध नहीं रोक देती। और इस सब के बीच हूती ने इसी कड़ी में एक बार फिर से लाल सागर में एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया है। हूती ने ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर यह ड्रोन हमला किया है जो कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ बढ़ रहा था। और इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया साहरी ने जानकारी दी है। इसके अलावा हिंद महासागर में भी हूती ने स्टॉल सिक्योया जहाज पर कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। हूती का कहना है कि उसके ये हमले एकदम सटीक रहे हैं और इन हमलों को लेकर हूती का कहना है कि इन जहाजों ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में प्रवेश पर लगे बैन का उल्लंघन किया था, इसलिए इन पर हमला किया गया। نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية استهداف ثانية لسفينة ترانس وورد نيفجيتر في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله ونفذت القوات الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لسفينة ستولت سيكويا وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة आपको बता दें कि हूती ने यह भी दावा किया है कि उसके हमलों की वजह से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर को लाल सागर से निकलना पड़ा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के फैसले के बाद इस युद्धपोत की लाल सागर से वापसी हुई है। وفي اطار الرد على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا فقد ادت عمليات القوات المسلحه اليمنيه بفضل الله الى اجبار حامله الطائرات الامريكيه ايزنهاور على المغادره والانسحاب من البحر الاحمر نتيجة عمليات استهدافها من قبل قواتنا في البحر الأحمر خلال الفترة السابقة लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती के प्रवक्ता याया सारी ने एक बार फिर से दहाड़ मार कर कहा है कि जो भी कंपनी कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ बढ़ेगी उनके जहाज हूती के वैध टारगेट होंगे, चाहे वो जहाज आगे कहीं भी जाने वाले हों। आपको ये भी बता दें कि हूती एक तरफ इस इलाके में आने वाली कंपनियों को हमले की धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों ने इस रूट से अपना कारोबार समेट लिया है उन कंपनियों की सराहना भी कर रहा है। खुद याया सारी का कहना है कि वो उन कंपनियों के निर्णय की सराहना करते हैं जिन्होंने हूती के पिछले बयानों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और हूती ने ये बात फिर से दोहराई है कि हूती के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि इजराइल गाजा की घेराबंदी और युद्ध को खत्म नहीं कर देता।